अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आज की जो मेरी वीडियो है वो है कुछ आई प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता होता आईलाइनर क्या है, मस्कारा क्या है। सो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद रहने वाली है ये वीडियो। सो मेरे पास कुछ मस्काराज हैं, कुछ आईलाइनर्स हैं और कुछ काजल पेंसिल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मस्काराज की। सो ये मेरे पास इस टाइम 4 मस्काराज हैं, ठीक है। फर्स्ट मस्कारा जो है वो मेरे पास TNT मस्कारा है, जो कि ये ब्लैक कलर में है और ये जो है ड्राई हो गया है मेरे पास। और इसका एप्लीकेटर कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं कि अब ये ड्राई हो गया है और ये मैं फिनिश कर चुकी हूँ और अब मज़ीद यूज़ ना करने की वजह से सो ये हो गया है ड्राई। इसके अंदर प्रोडक्ट भी कुछ नहीं बची है, ठीक है। ये है TRT का ब्लैक, अच्छा मस्कारा है और ये अवेलेबल मार्केट में जो है वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। मेरी सारी प्रोडक्ट्स वही होती हैं जो इजीली अवेलेबल हो मार्केट्स में। मेरी यही कोशिश होती है कि उन्हीं प्रोडक्ट्स पे मैं रिव्यू दूँ जो अफोर्डेबल भी हों और इजीली अवेलेबल भी हों मार्केट्स में, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास ये हैंग फेंग कॉस्मेटिक्स का मस्कारा वॉल्यूम क्लम्बिंग, और ये तमाम मस्कारे जो मेरे पास मौजूद हैं ये सारे आपकी आई लेशेस को, ये जो बनी हुई हैं आई लेशेस, इनको बिगर भी करेंगे और थिकर भी करेंगे, ठीक है। सो ये मेरे पास नेक्स्ट है हैंग फेंग का मस्कारा, जो कि मैं आजकल यूज़ करती हूँ। 11 ग्राम इसका नेट वेट है, ठीक है जी। सो ये कुछ अच्छा मस्कारा है, ये वाटरप्रूफ मस्कारा है और इसका एप्लीकेटर इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से आपकी जो है लेशेस को कर्ल कर देता है और ये जस्ट 100 रुपीज का मैंने बाय किया है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास यौन की नका वॉल्यूम 1 सेकेंड मस्कारा वाटरप्रूफ है और ये वाकई में वाटरप्रूफ है, बहुत अच्छा है ये मस्कारा, ठीक है। ये जो है मैं एज़ अपनी आईब्रोज को एज स्पूली में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई है और ख़त्म हो चुका है। मैं इसको तमाम यूज़ कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। इसको मैं एज स्पूली यूज़ करती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा मस्कारा है, आप लाजमी इसको बाय कीजिए और बिल्कुल अफोर्डेबल है और मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है यौन केना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है खूबसूरत सी पैकेजिंग में APK का मस्कारा फंटास्टिक कलर लेंड फॉर अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट वॉल्यूम, और ये वाटरप्रूफ, इस पर वाटरप्रूफ लिखा हुआ है गाइस, लेकिन ये मस्कारा वाटरप्रूफ नहीं है, ठीक है। BK1 इसके बैक पे लिखा हुआ है और इसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत सी पर्पल कलर की है। इसके बैक पे वाटरप्रूफ लिखा है लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन ये आपकी आई लेशेज़ को बिगर और थिकर करता है और कर्ल करता है अच्छे से आपकी लेशेज़ को। लेकिन ये बस इसके यही एक कौन है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है। बाकी अगर आप वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं चाहते और बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप वाटरप्रूफ मस्कारा चाहते हैं तो मैं आपको यही यौन की ना कहीं रिकमेंड करूँगी। इन सारे मस्कारास में से यही वाला मैं आपको रिकमेंड करूँगी। हालाँकि एक APK बेस्ट कंपनी है, लेकिन चूँकि ये वाटरप्रूफ नहीं है इस वजह से मैं आपको उसको रिकमेंड नहीं कर रही। अगर आप नहीं चाहते वाटरप्रूफ तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज ये यौन की ना का, ठीक है। ये तो हो गई मस्कारास की बात, अब हम बात करेंगे आई लाइनर की। सो यहाँ पे मेरे पास 3 लिक्विड आईलाइनर्स हैं, पहले इनके बारे में बात करते हैं। ये भी TRT ब्लैक आईलाइनर है, इसके साथ मैंने लिया था, ठीक। सो इसका जो एप्लीकेटर है वो इस तरीके का है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जेट ब्लैक की कलर है, ठीक है। ये ड्राई नहीं हुआ है क्योंकि मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन और भी मस्कारा से कभी ये किया कभी वो किया इस वजह से तो ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ है, इसमें प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है। तो ये TRT का इसका जो है वो जोड़ीदार है, ठीक है। नेक्स्ट हम यौनकिना के जोड़ीदार की बात करें तो ये है मेरे पास वॉल्यूम 2nd आईलाइनर वाटरप्रूफ, ठीक है। अच्छा, इसका जो एप्लीकेटर है वो बिगनर के लिए, जिनको ग्रिप नहीं होती, जो नहीं पकड़ सकते, उनके लिए बेस्ट रहने वाला है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। सो इसकी जो है ये इस तरीके से है, जो कि बहुत आपके लिए इजीली आप इसको इजीली अवेलेबल भी है मार्केट में, अफोर्डेबल भी, और आपको इजीली इसकी ग्रिप बन सकती है। बिगनर्स के लिए आपका मस्कारा इधर उधर नहीं जाएगा क्योंकि ये थोड़ी इसकी ग्रिप हार्ड है, ठीक है। सेम ऐसी ही ग्रिप का मेरे पास एक और लिक्विड मस्कारा है, जो कि हुदा ब्यूटी मैक्स फैन वाटरप्रूफ आईलाइनर का मस्कारा है। ये मैंने जस्ट 100 रुपीज़ का बाय किया था
ये ओरिजिनल हुदा ब्यूटी नहीं है, ये ड्यूब श्यूब है कुछ इस टाइप का। तो आप इसकी भी ग्रिप देख सकते हैं। मैं इसकी ग्रिप की मतलब इसकी जो ये है टिप की वजह से ही मैं इसको ये बाय करके लाई थी, क्योंकि मुझे ऐसी टिप यूज़ करने में बहुत इजी रहता है। ये देखें कितना जेट ब्लैक खूबसूरत आईलाइनर है, ये देख सकते हैं आप। और ये जस्ट 100 रुपीज़ का है और मार्केट से आप इसको ईजीली बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे पास ये मस्कारा है नाइट्रो कैनेडा का, देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कितनी प्यारी सी है, ठीक है। नाइट्रो कैनेडा आईलाइनर वाटरप्रूफ ब्यूटी कलेक्शन और उसका नेट वेट है 12 ml, ठीक है। आई थिंक सो ये प्रोडक्ट जो है वो इराक की प्रोडक्ट है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से है और इसकी टिप ऐसे है और ये एकदम मज़े का जो है वो जेट ब्लैक लाइनर है और ये वाटरप्रूफ लाइनर है, ये वाटरप्रूफ आईलाइनर है। सो ये मैंने आपको 4 आईलाइनर्स बताए हैं, इसमें से जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो यही नाइट्रो कैनेडा का रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये ड्यूप है। और ये योनकिना का भी आप ले सकते हैं, अगर आपको नाइट्रो कैनेडा यहाँ पे हो सकता है कि आराम से ना मिले, और अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप लाइनर भी योनकिना वॉल्यूम 1 सेकेंड ले सकते हैं। इन लाइनर्स भी मैं आपको यही लाइनर्स में से यही लाइनर और मस्कारास में से इसी का ही जोड़ीदार मस्कारा, यही दोनों में आपको जो है करूँगी रिकमेंड। और आप किसी पैकेजिंग देख सकते हैं, किसी मोटू छोटू सी प्यारी सी पैकेजिंग है, ठीक है। सो वैसे तो मैं आपको ये बोलूँगी, लेकिन अगर आपको ये नाइट्रो कैनेडा नहीं मिलता तो आप योनकिना ले सकते हैं, आपको इजीली मार्केट्स में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मार्कर आईलाइनर्स की, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी रहता है, चूँकि लिक्विड लाइनर फैल जाता है उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी जो है वो मेरे पास योनकिना की जो है वो मार्कर पेंसिल है। इसको ज़ैनब नोमान भी जो है वो अपनी वीडियोस में यूज़ करती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी पेंसिल है, ठीक है। 2.5 ग्राम इसका जो है वो नेट वेट है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो टिप है कितनी शार्प है और ये बिल्कुल जेट ब्लैक है। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये तकरीबन ड्राई और ख़त्म ही होने वाला है, समझ लें। बहुत ज़्यादा मैं इसको यूज़ करती हूँ, बहुत इजी टू हैंडल रहता है, ठीक है। और एक मेरे पास ये है, इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये किसकी प्रोडक्ट है, कैसी है, क्या है, इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और इसके जो है वो एक साइड पर इस तरीके की बारीक सी निप है, जिससे आप जो है वो बारीक लाइनर जो है वो यूज़ अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी वाटरप्रूफ है, ये दोनों जो है वो वाटरप्रूफ हैं। और एक साइड पे इसको जो आप विंग बनाते हैं, विंग आईलाइनर, तो इसके लिए ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको जो है वो इस तरीके से करके और बारीक वाले साइड से आप इसको मज़ीद जो है वो अपनी आई लीड तक ला कर इसको मज़ीद जो है वो विंग लाइनर की शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, मार्कर लाइनर में से भी जो है वो आपको यही योनकिना का लाइनर जो है वो मार्कर लाइनर भी योनकिना का और आईलाइनर भी योनकिना का, लिक्विड आईलाइनर और मस्कारा भी, मैं आपको यही तीनों चीज़ें जो है वो रिकमेंड करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं काजल पेंसिल के बारे में। सो यहाँ पर मेरे पास 3 काजल पेंसिल मौजूद हैं। यहाँ पर है एक मेरे पास ईट्यूड की, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये कैसी है, ठीक है। ये जो है वो शार्प नहीं हुई हुई है सो इस वजह से, लेकिन जो है बस ये गुजारा है एट्यूड की, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रही। नेक्स्ट है मेरे पास कलर इंस्टीट्यूट इटली की 1.5 ग्राम इसका जो है वो नेट वेट है, सुपर लेटिव फ्लेक्स लाइट वाटरप्रूफ, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से आप इसको एज अ आईलाइनर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ वाटर लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना जेट ब्लैक और प्यारा कलर है। अगर आप ये लेना चाहें तो मेरी तरफ से रिकमेंड मैं करूँगी आपको, आप अगर मार्केट में ईजिली अवेलेबल होगी कलर इंस्टीट्यूट इटली की, सो आप ये इजीली जो है वो बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है आप प्रोडक्ट ऑफ CBS हलाल, ठीक है। सो आप इसको भी बाय कर सकते हैं, मेरी तरफ से ये भी रिकमेंड है आपको। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि मेरे पास काजल है और इंतहाई ज़बरदस्त काजल है, वो है क्लोसल काजल, ठीक है। सो वो मेरे पास है मेबलिन का क्लोसल काजल, ठीक है, जो कि इस तरीके से है और ये इस तरीके से बंद और इस तरीके से खुल जाता है और ये वाटरप्रूफ है। लो जी, काम हो गया। तो ये भी वाटरप्रूफ है और आप देख सकते हैं कि ये कैसा जेट ब्लैक है, टिप इसकी टूट गई है
वेल देख सकते हैं कैसे जेट ब्लैक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों में पानी आता है या इरिटेशन होती है किसी किस्म की आंखों में, तो ये आप इसको इजीली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आंख में पानी आए कुछ है जो बिल्कुल आपके डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, पूरा काजल बह के आपके जो है वो अंडर आई एरिया में आ जाता है, तो ये मैबलिन क्लोसर काजल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप इसका फुल रिव्यू चाहते हैं तो आप निशु खान की वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने इसके बारे में सब बताया है। उन्होंने चूँकि वो अपना फेस भी शो करती हैं तो उन्होंने कर भी बताया है, आप उनको जानते ही होंगे जाहिर सी बात है, तो आप अच्छी तरीके से उनकी वीडियो में इसका फुल रिव्यू देख सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो सो मेक श्योर लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।